अरे हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है PYS Gamer और मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आ गए हम लोग फिर से एक अनदर वीडियो लेके, बट ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो है जैसे आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मैं एक आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि काफी टाइम से मैं सोच रहा था एक माइक खरीदना है। अगर मैं स्ट्रीमिंग भी करता हूँ तो माइक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, हमारे बैकग्राउंड नॉइसेस को कवर करता है, प्लस एक अच्छी क्वालिटी आपकी डिलीवर करता है ऑन द स्ट्रीम। सो आई वाज प्लानिंग कि मैं इन्वेस्ट कितना करूं, बट जब सारी चीजें हुई, सारे खर्चे हो चुके थे ऑलरेडी, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अभी ज्यादा खर्चा नहीं करना है, एक बजट माइक लेते हैं फॉर नाउ। तो उसमें आई गॉट मेनी सजेशंस, जिसमें से फाइनली मैंने दो माइक पिक किए थे टू परचेस, जिसमें एक था फिफाइन एंड एक था ऑडियो एरे। बट दोनों के प्राइस रेंज अगर मैं देखता हूँ तो उसमें मेरे को 1000 रुपये का पूरा पूरा डिफरेंस मिला है, एंड क्वालिटी वाइज दोनों में ज़्यादा कोई फर्क था नहीं, इट वॉज ऑलमोस्ट सेम। मतलब जो चीज़ें फिफाइन दे रहा था वही सारी चीज़ें ऑडियो एरे भी दे रहा था इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। बट जब मैंने देखा कि यार एक्सेसरीज भी है उसमें बहुत सी चीज़ें जो मैटर करती है, तो मुझे उसमें ऑडियो एरे का ये जो माइक मैंने लिया है AMC1 इसमें मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें एडिशनल मिली। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि यार ठीक है, 1000 कम में मिल रहा है, प्लस इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, जितने रिव्यूज़ बहुत रिव्यूज़ नहीं है एज कम्पेयर टू फिफाइन, बट जितने रिव्यूज़ हैं वो बुरे भी नहीं। तो आई थॉट कि लेट्स गो अहेड एंड ये वाला लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया एग्जैक्टली 2080 रुपीज में मुझे ये माइक पड़ा है, एंड इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ना वो एक बार देखते हैं। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू जस्ट शो यू कि मुझे जो डिलीवरी बॉय आया था, जिसने ये डिलीवर किया है, एग्जैक्टली उसने मुझे ये बॉक्स ऐसा ही दिया है। जब भी नॉर्मली ये मैंने अमेजोन से बुक किया, अमेजोन से ऑर्डर किया है, बट नॉर्मली जब आप अमेजोन से कुछ मंगाते हो तो एक प्रॉपर उसमें कवर पैकेजिंग आती है, वैसा कुछ नहीं था इसमें। ये एज इट इज ऐसा ही मुझे ये बॉक्स अमेजोन से डिलीवर हुआ है। ये जो पैकेजिंग है, मैं अगर आप देखोगे इसको थोड़ा ध्यान से, तो टेप की पैकेजिंग है, बस ये टेप की पैकेजिंग है। बॉक्स भी इतना कोई बहुत अच्छे से नहीं आया है, प्लस इसमें ये एक इन्होंने अमेजोन ने पीछे क्या लगा के दिया आई डोंट नो, एक बार ये देखते हैं इसमें क्या है, एंड फिर मैं बताता हूँ इस बॉक्स को खोलने से पहले कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो मैं ये ओपन कर लेता हूँ, लेट्स सी क्या क्या आया है, ये एनवलप क्या है। ओके, इसमें बिल है, बाकी एनवलप खाली है भाई। बहुत इस मतलब जो क्वालिटी पैकेजिंग की है इसके लिए तो मैं बोलूँगा भाई बहुत ज़्यादा बेकार। ये बिल है बेसिकली, उसको थोड़ा संभाल के रखते हैं, काम आ सकता है। अब ये बॉक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही है ना, मैं वो थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है, इम्पोर्टेड, मार्केटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, जिसका हमें कोई लेना देना नहीं है। पावर सोर्स के बारे में दिया है। प्रोडक्ट जो है ये USB कंडेंसर माइक्रोफोन है। इसमें कंपैटिबल किसके किसके साथ है, ये एक अच्छी चीज है। इसमें लैपटॉप, PC प्लस स्मार्टफोन के साथ भी कंपैटिबल है ये, तो ये एक और एक पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने ये मतलब चूज किया। इसमें देखूं तो इसमें जो चीजें एडेड है बॉक्स कंटेंट्स, इसमें ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें हमको एक बूम आर्म किट मिलने वाला है। इसमें USB टाइप B टू टाइप A USB का केबल है, प्लस इसमें एक माइक कवर भी है, इसमें एक पॉप फिल्टर भी है, और कंडेंसर माइक्रोफोन भी है, और एक शॉक माउंट है, और USB A टू USB कुछ तो सी है इसमें। अब वहां पे वो उसका स्टिक लगाया था, दिख नहीं रहा, तो USB A टू B वाली ही पिक्चर बताई है उसने। तो इसको अभी खोलते हैं, तो यहां से तो मेरे को सील दिख रहा है, बट आई डोंट नो कि ये सील प्रॉपर है कि नहीं है। इफ यू कैन सी प्रॉपरली ये लगा है कि नहीं है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी टेप है। तो लेट्स ओपन इट अप। So, टेप तो निकल गई है, एंड अभी ये मैं बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, एंड सो देखो अब थोड़ा पास से देखो। सो ये सारी चीजें है इसमें, बॉक्स ओपन होते ही सबसे पहले ये पॉप फिल्टर है जो हमें मिला है, और काफी हैवी है यार, काफी हैवी है, लाइक इट्स गुड क्वालिटी मेरे को अच्छी लग रही है सो फार। ठीक है, और देखते हैं इसमें हमें क्या मिला है, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। सो दिस इज द फिल्टर जो माइक के ऊपर लगता है, ये हमें इसमें साथ में मिला है।
अब इसको अगर मैं उठा देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा साइड रख देते हैं। ओके, एक वारंटी एक्टिवेशन कार्ड इसमें मिला है, ये मैनुअल है जिसकी शायद हमें ज़रूरत ना ही पड़े तो अच्छा है, बाकी शायद सेटअप करने में पड़ेगी, पड़ सकती है, तो साथ में रखते हैं। ओके, नाउ दिस इज द मेन थिंग। सो नेक्स्ट चीज़ जो इसमें हमें मिलती है, मतलब फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकेंड फ्लोर में, ये है, ये ए टू बी वाला जो इसमें यूएसबी था, दिस इज़ द यूएसबी केबल। इसको खोलते हैं, मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा माइक, इसको लास्ट में निकालेंगे। एंड ये केबल मैनेजमेंट के लिए स्ट्रिप्स है जो कि हमको यूज़ करनी है हमारे बूम आर्म पे, ठीक है। नेक्स्ट इज ये शायद टेबल का क्लैंप है या ट्राइपॉड का क्लैंप है, दो में से किसी एक चीज का क्लैंप है ये, तो लेट्स सी। हाँ, ये क्लैंप है एंड प्रोबेबली ये माइक के लिए ही है क्लैंप, बट ये यूज कहाँ होगा ये देखना पड़ेगा। ये एक क्लैंप इसमें मिला है। तो जो नेक्स्ट चीज इसमें है, इट्स अ शॉक माउंट। अगर ये शॉक माउंट हम देखें, शॉक माउंट बेसिकली होता है जब आपके बूम आर्म पे आप माइक अटैच करते हो तो जो वाइब्रेशंस है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ये। सो दिस इज द शॉक माउंट और इट सीम्स फ्रेश। मेरे को ऐसा लगा कि शायद यूज ना हो बिकॉज मैं उसी के लिए डर रहा था, बट नो, इट सीम्स फ्रेश और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्वालिटी। इफ यू कैन सी, इट इज़ क्वाइट गुड, है ना। और ये क्या है, ओके दिस इज द ट्राईपॉड, ओके दिस इज द ट्राईपॉड, और ये जो क्लैंप था ये इस ट्राईपॉड पे प्रोबेबली लगेगा और हमारे माइक को होल्ड करेगा, ऐसा कुछ तो होना चाहिए। बट टू बी वेरी फ्रैंक गाइस, ये ट्राईपॉड काफ़ी हैवी है, लाइक इफ आई कैन से ये प्रॉपर मेटल है और काफ़ी हैवी है, तो क्वालिटी अगर मैं बोलूँ तो क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है मेरे को इसकी, ठीक है। एंड ओके, ये है हमारा जो पोर्ट चेंज होता है टाइप बी टू सी करने के लिए, ये हमारी यूएसबी के साथ कनेक्ट होगा ताकि हम इसको अपने माइक में कनेक्ट कर सकें। इसको भी मैं बाहर कर देता हूँ, बाकी और कोई चीज़। और यहाँ पे ये है बूम आर्म के अटैचमेंट्स, इनको भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। एंड इट इज़ ऑल्सो गुड क्वालिटी, भी अच्छी है, हैवी है, और ये हमारे टेबल को अटैच हो जाएगा आराम से। एंड नाउ टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इनको मैं निकाल के थोड़ा सा साइड में रख के, ओके, बस बॉक्स में इतनी चीज़ें हैं। नाउ दिस इज़ द बूम आर्म गाइस, ये जो बूम आर्म है ये भी साथ में ही मिला है भाई, 2000 में काफ़ी वैल्यू ऑफ मनी है यार, काफ़ी वैल्यू ऑफ मनी है। दिस इज़ द बूम आर्म जो हमारे टेबल के साथ कनेक्ट होगा एंड इट इज़ गुड, थोड़ा हल्का है बट मतलब बहुत हैवी भी नहीं है, बहुत हल्का भी नहीं है, इट इज़ क्वाइट गुड। एंड फाइनली इसको मैं ओपन कर रहा हूँ एंड यू कैन सी गाइस, द क्वालिटी इज एक्चुअली प्रीमियम यार, लाइक काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो फील है इसका, फील भी काफ़ी अच्छा है इसका, एंड लाइक हैवी है, बहुत हैवी नहीं है। अगर मैं कंपेयर करूँ ना तो इसका जो ये है ट्राइपॉड स्टैंड है, इस ये ज़्यादा भारी है इसके मुकाबले, तो ये काफ़ी हल्का है, लाइट वेट है एंड लुक्स गुड। अब इसको ना असेंबल करता हूँ मैं और लेट्स सी कि उसके बाद क्या हम लोगों को मिलेगा, और इसमें क्या क्या चीज़ें, मैं ये भी आपको बताता हूँ। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जो हमें इसके साथ आई है, पब फिल्टर, इसका माइक फिल्टर, केबल मैनेजमेंट क्लिप्स, ये ट्राईपॉड, द टेबल क्लैंप, बूम आर्म और ये माइक। अब मैं इन सारी चीज़ों को असेंबल करता हूँ, तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं और जल्दी से इसको असेंबल करते हैं। ये ऐसे लगेगा, तो मैनुअल देखना बहुत जरूरी है इसके लिए। तो बूम आर्म मेरा सेट है, तो मेरा जो नॉर्मल पोजीशन होता है मैं उसके हिसाब से बूम आर्म को सेट करूंगा। हम यहाँ पे रखते हैं इसको, थोड़ा सा इसको मैं टाइट कर देता हूँ क्योंकि हमारा माइक मुझे यहाँ चाहिए एंड दिस इज जो मैं उसको लेफ्ट राइट मूव कर सकता हूँ, ये इसको आगे पीछे कर सकता हूँ मैं। तो दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर मी टू सेट द बूम आर्म। ये केबल मैंने इसको अटैच करके पीछे जॉइन कर दिया है विद द सीपीयू, बट इसको अब कैसे अटैच करना है मुझे ये समझना है। ओके, तो ये अपना केबल माउंट भी लग गया है, शॉक माउंट भी, इसको मैं टाइट कर देता हूँ।
और ये अब माइक जाएगा इसमें। तो नाउ दिस इज द पोजीशन जहाँ पे मैं इसको अपने पास रख सकता हूँ और बात कर सकता हूँ ताकि मेरी आवाज डायरेक्टली यहाँ पे जाएगी। एंड पफ फिल्टर भी मैं इस पे अटैच कर देता हूँ। ये सो दैट्स इट, ये प्रॉपरली अब सेट हो चुका है। यहाँ पे मैंने इसको भी पूरा टाइट कर दिया अच्छे से। ये मेरा पफ फिल्टर यहाँ लग गया, ये मेरा माइक यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं अपने हिसाब से टाइट कर सकता हूँ, लूजन कर सकता हूँ। ऐसी चार स्ट्रिप्स है जिससे कि हम हमारी केबल को मैनेज कर सकते हैं। सो यहाँ पे केबल भी मेरी प्रॉपरली मैनेज हो चुकी है। अब मेरे को बस इसको यूज करना है जब भी मैं इसको सेटअप कर दूंगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से फिर मेरी आवाज जाएगी। तो दिस इज द पोस्चर यहाँ पे मैं बैठने वाला हूँ। सो फाइनली वी हैव द माइक नाउ एंड अब मैं इसको यूज करता हूँ। लेट्स सी इसकी आवाज कैसी आती है, क्वालिटी कैसी है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो अभी हम स्विच करते हैं कैमरे पे, लाइक अब वॉइस क्वालिटी पे जाते हैं। तो लेट्स स्विच। ओके, सो फाइनली माइक हमारा सेटअप हो चुका है। लेकिन जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो इस माइक से नहीं आ रही है, वो इस माइक से आ रही है जो आज तक हम स्ट्रीम पे करते थे। मेरे हेडफोन के ही माइक से सब कुछ होता था, रिकॉर्डिंग होती थी, स्ट्रीमिंग होती थी। और ये अभी जो आवाज़ सुन रहे हो वो इसी माइक से है। लेकिन अब मैं स्विच करूँगा इस माइक पे जो हमने आज सेटअप किया है। ओके, सो नाउ अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो इस माइक से आ रही है जो ऑडियो एरे का हमने आज ही लिया है। एंड लाइक ओवरऑल क्वालिटी आपको समझ में आ गई होगी कितना डिफरेंस है। मैंने भी सुना है, मेरे को तो लाइक आई वॉज लाइक मैं बोल रहा हूँ सेटिस्फाइड भाई, फुल सेटिस्फाइड। मेरे लिए वर्थ इन्वेस्टमेंट है 2000 में, इससे बेटर मुझे कुछ नहीं मिल सकता। जहाँ पे आज तक मैं इस क्वालिटी में स्ट्रीम करता था जो अभी आपने सुना इसके पहले, मेरे लिए ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। एंड स्पेसिफिकली ऐसे स्ट्रीमर्स या ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जो भी नए हैं और जेब से थोड़ा पैसा खर्चा करके अपने क्वालिटी को बेटर करना चाह रहे हैं, उनके लिए 2000 रुपये में ये माइक इज़ वर्थ इन्वेस्टमेंट। बात कर लेते हैं इस माइक का जो पोलार पैटर्न है उसकी। तो इसमें कार्डोइड पोलार पैटर्न यूज़ किया जाता है, विच मीन्स कि ये माइक जो है ये सिर्फ सामने से रिकॉर्ड करता है। बेसिकली पीछे साइड या साइड से कोई भी तरीके की आवाज़ अगर आती है तो उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस कर देता है, रिड्यूस कर देता है। मैं जस्ट बताता हूँ, अगर मैं इस साइड से बोलूँगा कुछ या इस साइड से कुछ बोलूँगा तो उतनी क्लियर आवाज़ अब ये रिकॉर्ड नहीं करेगा जितनी ये सामने से करेगा। एंड जस्ट टू आइडेंटिफाई दैट, यहाँ पे कंपनी का लोगो दिया हुआ है। सो दिस इज़ द कंपनी लोगो विच शोज़ कि उसका फ्रंट साइड कौन सा है। दैट्स इट। एंड अगर अब मैं बात कर लूँ कि ऑप्शंस, तो मेरे पास अमेज़ॉन से मैंने परचेज किया है, मेरे पास दो ऑप्शंस थे। एक ये था और इसके साथ साथ एक फिफाइन का माइक था जिसका प्राइस वाज अराउंड 3,200 रुपीज़। ये 2000 में मिला है, सो 1200 मैंने सेव किए। अब क्या है उसमें डिफरेंस, ये भी थोड़ा बता देता हूँ। मैंने यूज़ नहीं किया है बट जितना मैंने रिव्यूज़ पढ़ा उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर माइक के करीबन 4,500 रिव्यूज़ हैं। इस माइक के सिर्फ 100 लोगों ने रिव्यूज़ दिए। वीडियोज़ यूट्यूब पे देखोगे उस माइक के, फिफाइन के, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इस माइक के अगेन गिने चुने वीडियोज़ आपको मिलेंगे जिसमें अब ये एक ऐड हो रहा है। सो मुझे किसी ने ये पर्टिकुलरली स्पॉन्सर नहीं किया, इट इज़ जस्ट एक मेरा आप बोल सकते हो ओपन ट्रू रिव्यू फॉर दिस माइक। क्योंकि मैंने जितना स्टडी किया है 4,500 रिव्यूज़ में ना, बहुत से लोगों ने ये भी बोला है कि 2 महीने में 3 महीने में माइक ख़राब हो गया, कुछ हफ्तों में माइक ख़राब हो गया, बट इस केस में नहीं था। अगर मैं लुक एंड फील की बात करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा इसका बिल्ड क्वालिटी। स्ट्रीम पे बहुत शोशा नहीं चाहिए क्योंकि उस माइक में फिफाइन में RGB है, एक पफ फिल्टर है और एक बूमा है, दैट्स इट। एडिशनल उसमें ऑन ऑफ की बटन है और वॉल्यूम कंट्रोल है। देखो, ऑन ऑफ और वॉल्यूम कंट्रोल हम OBS से कर सकते हैं व्हेन वी आर स्ट्रीमिंग। बाकी रही चीज़ ऑडियो एनहांसमेंट की, तो जो लोग पॉडकास्ट करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। बिकॉज एडिशनल इसमें क्या है मैं वो बताता हूँ। कंडेंसर मिल रहा है इसमें जिसको हम फिल्टर भी बोल सकते हैं। अब जो मैं बात कर रहा हूँ तो जो मेरे आवाज़ में बेस निकलता है वो कॉम्प्रेस हो जाता है। स बोलते वक्त जो चीज़ जो एक वॉइस ट्रिबल निकलता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस हो जाता है। बेस्ट इज एडिशनल पफ फिल्टर भी है इसमें, जो लोग पॉडकास्ट बनाते हैं या पॉडकास्ट करते हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें अगेन आपकी वॉइस में जो डिस्टर्बेंसेस है वो कम हो जाती है।
नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इस माइक में किसी भी तरीके का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपकी आवाज़ को और एनहांस करे. जो आपकी रॉ आवाज़ है, एक्चुअल आवाज़ है, वही रिकॉर्ड होती है. अभी भी मैं कोई फिल्टर यूज़ नहीं कर रहा हूँ. जो है डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है. आपको सिर्फ प्लग करना है अपने पीसी में एंड दैट्स इट. यूएसबी पोर्ट है, आप अपने लैपटॉप में पीसी में इसको कनेक्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट आप अपने फ़ोन में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक सी टाइप कन्वर्टर मिलता है. वो आप लगा लो यूएसबी में, दैट्स इट. आप इसको अपने फ़ोन में भी रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हो. तो यार इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, तो मेरे लिए तो फ्रॉम माय साइड क्वालिटी वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा. बिल्ड क्वालिटी बोलो, वॉइस क्वालिटी बोलो, मेरे लिए बहुत अच्छी थी. वॉइस क्वालिटी इन दैट माइक वॉज सेम, कोई डिफरेंस नहीं था. ये भी 192 kHz है, वो भी 192 kHz है. तो फ़र्क उसमें कुछ है नहीं, फ़र्क मुझे कुछ लगा नहीं. सो ओवरऑल फॉर मी दिस इज़ अ वर्थ इन्वेस्टमेंट. जितने भी छोटे यूट्यूबर्स हैं या नए यूट्यूबर्स हैं, नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर लाइक इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट, आपको ठीक लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स. एंड इस पर्टिकुलर वीडियो को इतना ज़्यादा अपने को बढ़ाना है कि लोग समझे कि भैया रिव्यूज़ से मैटर नहीं करती है चीज़ें. देर आर सो मेनी अदर थिंग्स वॉट यू हैव टू सी. इतने बजट में इतनी सारी चीज़ें मिल गई, इससे ज़्यादा और क्या लोगे यार, है ना. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, अगर मेरी एफर्ट्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर PYS आर्मी. एंड अभी यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच. आई नो थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट पूरा इन एंड आउट डिटेल रिव्यू मेरे को चाहिए देना था, तो ये मैंने दे दिया. सो दैट्स इट. एंड प्लीज़ बी हैप्पी ऑलवेज एंड कीप स्माइलिंग. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अप. अब आगे स्ट्रीम में मिलते हैं विद अ बेटर क्वालिटी ऑफ वॉइस.